नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी और सुबह करीब 8:15 पर निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी और वहीं इसके बाद सुबह 9 बजे ब्रीफ केस के साथ नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गई और वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अभी थोड़ी देर बाद बजट ब्रीफ केस के साथ संसद भवन पहुंचेंगी और इसके बाद संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और फिर 11 बजे बजट पेश होगा और निर्मला की स्पीच भी होगी। और ये लगातार चौथी बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं बजट। और वहीं साल 2020 से 21 में उन्होंने करीब 2.42 घंटे तक का भाषण दिया था, यानी कि 162 मिनट तक उन्होंने भाषण देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उम्मीद है कि चुनावी माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट भाषण भी लंबा हो सकता है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद वित्त मंत्री पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और उसके बाद संसद के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं परंपराओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है और ये हमेशा एक प्रथागत बैठक है क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं देते, लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीतारमण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट से मिलना है और कैबिनेट को बजट के बारे में जानकारी देनी। और वित्त मंत्रालय बजट के बारे में गोपनीयता बनाए रखता है और अपना भाषण पेश करने से पहले वित्त मंत्री बजट प्रावधानों के बारे में गोपनीयता रखने के लिए बाध्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस मामले को कूटनीति और शांतिपूर्वक निपटारा चाहते और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि फिर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और परिणाम चाहे कुछ भी हो। बाइडेन ने ओवल ऑफिस में बात करते हुए कहा कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध खड़े हुए हैं और यही नहीं, हम इस मामले पर अपना पक्ष लेकर इसलिए भी मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का भी पालन कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि वह इस मामले के समाधान के लिए कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आसपास अपनी सेना को खड़ा कर दिया, इसलिए हम उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। और वहीं इस विवाद को लेकर यूएन में भी रूस और अमेरिका का आमना सामना हुआ है और अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वोसिली नेमजिया के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सीमा पर 1,00,000 सैनिक होते तो आप कितने असहज होते, और एक खुली बैठक आयोजित करने पर हुई वोटिंग 10-2 से पारित हुई है और रूस और चीन ने इसका विरोध किया। वहीं 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और वोट को मंजूरी के लिए कुल 9 वोटों की जरूरत थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए ये बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। और उन्होंने कहा कि देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए और रूस ने इस बात से इनकार किया कि वो हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल नहीं किया जाए। नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है। वहीं चुनावी माहौल में कई अधिकारी अपनी सेवाएं समाप्त कर नेता बनने निकल पड़े हैं और इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय से सेवानिवृत्त हुए राजेश्वर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे और वो प्रदेश के सुल्तानपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और राजेश्वर सिंह ने कहा कि 24 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी और अब जब मेरी सेवा के 11 साल बचे तब मैं इसे और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए राष्ट्रवादी राजनीति में उतर रहा हूं।
और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। और इस मौके पर राजेश्वर सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया है। और वहीं राजेश्वर सिंह यूपी के सुल्तानपुर के नौकरशाहों के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और सिंह को लेकर कई लोगों का मानना है कि उनके राजनीति में प्रवेश से एक अलग तरह का बदलाव आएगा। और स्टेट पुलिस विभाग से अपनी नौकरी शुरू करने वाले राजेश्वर सिंह अपने काम के दम पर बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। और वहीं उन्हें ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट माना जाता है और अपने पुलिस करियर की शुरुआत में उनके पास गोमती नगर सीओ और सीओ के सर्किल ऑफिसर का एक साथ चार्ज था और इसके लिए उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई। वहीं राजेश्वर सिंह के नाम 13 एनकाउंटर है जिसके जरिए वो कुंकार और कट्टर अपराधियों को कटघरे तक पहुंचाने में सफल हुए और अपने 14 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्हें उनके काम के दम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड की अपराधियों से नवाजा जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण भी बीजेपी में शामिल हुए थे और इस दौरान असीम अरुण ने कहा था कि बीजेपी ने मुझे और अधिक सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति चुनने का सुझाव दिया है। वहीं कोरोना की रफ्तार अब दिनों दिन कम होती जा रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए जबकि 1,192 लोगों की मौत हो गई। और वहीं हालांकि इस दौरान 2,54,076 लोग ठीक हुए और इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,14,69,499 हो गए जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या अब 17,43,059 हो गई है। और कोरोना से अब तक देश में कुल 3,52,30,198 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि इस महामारी के चलते 4,96,242 लोगों की जान चली गई है। और देश में अब तक 166,00,000 वैक्सीनेशन किया जा चुका है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 11.69% हो गया है।